तुझे देखा। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, दिस इज जेपी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी गाइस, अभी दोपहर के 2 बज गए और अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह से कर रहा था डांस प्रैक्टिस। जी गाइस, मैं डांसर भी हूँ और मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है जेपी डांस और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज शाम को मुझे बनाना था डांस वीडियो, इसलिए मैं सुबह से कर रहा था प्रैक्टिस और शाम को मैं वह डांस वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहे, अभी मैं जाता हूँ नहाने और नहा के फिर सो गाइस, मैं नहा के बाहर आ चुका हूँ और अभी तक मैंने टी शर्ट भी नहीं पहना है। तो अब मुझे बिना टी शर्ट पहने मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगे, तो पहले मैं खाऊँगा टी शर्ट गया तेल लेने और देखते हैं खाने में क्या बना है। देखते हैं खाने में क्या बना है। खाने में बना है ये है बेसन गट्टे की सब्ज़ी, मतलब कि बेसन का जो छोटा छोटा पीस करके सब्ज़ी बनाई जाती है, चावल रोटी। तो गाइस आज बने बेसन की सब्ज़ी, मतलब बेसन के गट्टे बनाते हैं उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, उसको बेसन गट्टा की सब्जी बोलते हैं। तो वो बनी है, मैं वो खाऊंगा। गाइस मैंने व्हाइट सैंडो पहन लिया रुमाल हटा के, क्योंकि बिना टी शर्ट के खाना इज नॉट गुड। तो ये मैं वैसे मैं पहले सैंडो पहनता नहीं था, लेकिन अभी मैंने पहनना शुरू किया, ये एक ही लिया, मुझे लगा अच्छा लगेगा तो पहनूंगा, नहीं लगा तो नहीं पहनूंगा। तो ये मैंने पहना है, तो कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है ये। तो गाइस मैंने खाना खा लिया और बाल नहीं बनाया तो इसलिए थोड़ा ये मैसी हो गया, और लगता है मुझे मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल होने वाला है। मेरा फ़ोन है 128 GB का है शायद से, हाँ 128 GB का ही है, सैमसंग S20 है। तो मुझे पहले के जो भी अनवांटेड वीडियोस है वो सारी डिलीट मारने पड़ेंगे, क्योंकि शाम को वीडियोस बनाना, डांस वीडियो बनाना है और व्लॉग भी बनाना है, व्लॉग एडिट करना है वगैरह सब करना है, तो मुझे स्टोरेज खाली करना पड़ेगा। हालांकि मुझे ये 128 कम पड़ रहा है, देखते हैं आगे नया फ़ोन लेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो, और मेरा जो डांस वाला चैनल है उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पहले मैं ये स्टोरेज खाली कर देता हूँ। सो गाइस, ये सैंडो के फ़ायदे तो बड़े हैं, मतलब कि बहुत ही पतला सा है, वाइट है ऊपर से तो ज़रा भी गर्मी नहीं होती। सो गाइस मैं अभी उठा और मैंने चाय बनाई और चाय पी, हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए, इट्स नॉट मच गुड फॉर हेल्थ, लेकिन नहीं पीनी चाहिए, ठीक है थोड़ी थोड़ी पी ले तो सही रहता है, आदत पड़ गई है तब क्या कर सकता है। गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं शाम को डांस वीडियो में कौन सा शर्ट पहनने वाला हूँ। मैं पहनने वाला हूँ ये शर्ट, कहाँ गया इसका कॉलर, ये शर्ट, मतलब कि लाइक ये मेरे ड्रीम शर्ट जैसा है, मतलब कि इस क्वालिटी मटेरियल में जो भी शर्ट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, बट ये शर्ट मुझे मेरे नाना जी ने दिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये शर्ट मुझे, और इसमें मैं पोस्ट भी करूँगा इंस्टाग्राम पर, तो जाइए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए फटाफट, चलो 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 चलो। एक सेकेंड मैं आपको ये शर्ट पहन के दिखाता हूँ, बहुत ही सही लग रहा है यार ये शर्ट तो, बहुत ही सही। हमको वहाँ पर डांस वीडियो बनाया, लेकिन धूप बहुत ही ज़्यादा कड़क है इसलिए हम अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ा लाइट सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद हम ये सारा कचरा हटा के, कचरा तो नहीं ये नली वगैरह हटा के हम वहाँ पर डांस वीडियो बनाएंगे, और बहुत ही प्यारा डांस वीडियो बनाता हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है। आप भी देखिए और देख के बताइए कैसा बनाता हूँ मैं। सो गाइस हम अपने पोते में पानी डाल के आते हैं, मेरी शॉप में जो मैंने रखा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी डालूंगा तो नीचे से निकल जाएगा, लिटल लिटल पानी। पहले लाइट्स ऑन कर देता हूँ मैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पौधा अंदर क्यों रखा है, क्योंकि ये आप लोग देख सकते होंगे कि ये जो पौधा है वो पूरा एम्बियंस को लुक देता है, लाइक बैकग्राउंड सही करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पौधा रखा है। मैं इसको वैसे अंदर बाहर करता रहता हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे पौधा, और मैं पहली बार मेरे घर में जो बंदा कोई पौधा लाया वो मैं हूँ। मेरे घर में किसी ने कभी सोचा ही नहीं हुआ कि हमारे घर पे प्लांट्स भी लगाने चाहिए, मतलब प्लांट्स तो है लेकिन ऐसा सजाने के लिए या डेकोरेशन के लिए प्लांट्स कभी भी किसी ने सोचा नहीं होगा,
जो कि मैं लाया हूँ। तो गाइस लाइट एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और मैं फेस वॉश करके आया हूँ। जैसा आप देख सकते हो पानी वाला थोड़ा सा फेस है। तो अब हम चेंज करेंगे कपड़े, क्योंकि मैंने पहन रखा है पजामा लूज लूज, और हम पहनेंगे जीन्स और उसके ऊपर पहनेंगे ये जो शर्ट जो मेरे नाना जी ने दिया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तो मेरा फेवरेट हो चुका है अब तो, मतलब आते में एक बार भी पहना नहीं है लेकिन ये मेरा फेवरेट हो चुका है। सो गाइस ये हमारा शर्ट और ये हमारा पैंट, तो हम ये चेंज कर लेते हैं। देखिए मैं कितनी फटाफट चेंज करता हूँ। सो गाइस देखिए मैंने कितनी फटाफट अपने कपड़े चेंज कर लिए। हालांकि शर्ट्स पर थोड़े से सल वगैरह है, लेकिन दूर से डांस वीडियो बनाते टाइम कुछ नहीं दिखने वाला है। तो वैसे मैं बिना शर्ट के प्रेस की शर्ट पहनता नहीं हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी बाहर नहीं जाना है तो वीडियो में तो चलेगा। सो गाइज ये रहा हमारा ब्लूटूथ स्पीकर जिसमें हम सॉन्ग चलाने वाले हैं, और ये रहा हमारा ट्राईपॉड। सो गाइज हम इस पर अपना फ़ोन माउंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द माउंट जो हमारे फ़ोन में अभी लगा हुआ है। तो मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ। कितना प्यारा साउंड है, मुझे अभी से लिटरली गर्मी होने लग गई है। तो मैं फ़ोन को इससे कनेक्ट करता हूँ, तब तक आप गाइज बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद मैंने प्रैक्टिस की है, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप देख ही सकते होगी मेरी हालत, और ये भी देखिए लाइक पसीना लेजेंड वाला हो रहा है। तो देखते हैं एक बार वो ट्राई करते हैं, और इसको रील में भी बनाना है तो डबल मेहनत है भाई, दो बार शूट करना पड़ेगा। तो मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। बहुत सारे टेप के बाद डांस वीडियो बन चुका है और मैं पूरा पसीना पसीना भी हो चुका हूँ। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वाले चैनल, डांस चैनल जेपी डांस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।